तक पानी नहीं है। कारण यही है, पर्यावरण दूषित हो चुका है, कटान हो रही है, दिन प्रतिदिन कटान होता जा रहा है, और इसकी वजह से हर जगह असर पड़ रहा, पानी पे असर पड़ रहा है, जीवन पे असर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मेन मतलब यही है कि आप पेड़ पौधों को लगाइए, पेड़ पौधों को ना काटिए, और अपने जीवन को स्वस्थ बनिए और पृथ्वी को भी स्वस्थ बनाए। जंगलों को लोग काट रहे हैं और ऐसा इस तरीके का कटान जो हमसे सहन नहीं हो पाता है। सच बोले तो ऐसी चीज़ें हमसे सहन नहीं होगी। हम आम नागरिक हैं और नागरिकों को जंगल कटने से रोकना चाहिए। हमारा जीवन इसी से जुड़ा हुआ है और जीवन देने वाली जो शक्ति है वह पर्यावरण है। अगर पर्यावरण दूषित होगा तो हम सभी लोगों की आत्माएं दुखी होंगी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपरवीर ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जंगल को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम सभी पेड़ पौधे लगाएं और अच्छे से अपने पर्यावरण और अपने आसपास का वातावरण स्वस्थ रखें। दोस्तों, अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें पेड़ पौधे भी ज़रूर लगाने चाहिए। हमारा जीवन इसी से जुड़ा हुआ है और जीवन देने वाली जो शक्ति है वह पर्यावरण है। अगर पर्यावरण दूषित होगा तो हम सभी लोगों की आत्माएं दुखी होंगी। तो मैं इसी उम्मीद से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण दिवस अच्छे से मनाइए और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का महत्व को समझे। और दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आज ये इतना बड़ा दिन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे लिए जो तोहफा दिया था 5 जून 1973 को, और तब से आज हद तक हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग मिलके जंगलों को बचा रहे हैं और जंगलों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं उस संयुक्त राष्ट्र का जिसने विश्व मंच पर आकर पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। दोस्तों, क्योंकि जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जंगलों में आग लग रही है, जंगलों को लोग काट रहे हैं, और ऐसा इस तरीके का कटान जो हमसे सहन नहीं हो पाता है। सच बोले तो ऐसी चीज़ें हमसे सहन नहीं होगी। हम आम नागरिक हैं और नागरिकों को जंगल कटने से रोकना चाहिए। जंगल हमारा जीवन है, यानी कि अगर हमारी आत्माएं दुखी हो रही है, क्यों हो रही हैं? क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है और वो दुख हम सहन नहीं कर सकते। आम आदमी, जो कि कई लोग जंगलों को काट रहे हैं, अच्छे हरे भरे चीज़ों को काट रहे हैं, इनको काटने के कारण हमारे जो ऑक्सीजन पे फ़र्क पड़ रहा है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वह दूषित हो चुका है, और हमारी अंदर आत्माएँ उससे बहुत दुखी है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं। अब गर्मियों के टाइम पे देखा होगा आपने किस तरीके से जंगलों कितनी गर्मियाँ हो रही है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि जंगलों को लोग काट रहे हैं, बल्कि पहाड़ों में तो थोड़ा बहुत हरियाली भी है, लेकिन मैदानी इलाकों को देखो, वहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है, कितनी उमस हो रही है, वो आप देख सकते हो। तो मेन ये पर्यावरण का ही असर है दोस्तों। और मैं ज़्यादा कुछ ना बोल के यही कह सकता हूँ कि आज के दिन ज़रूर पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें, कुछ पेड़ लगाइए और अपने आसपास के जो वातावरण है उसको हरा भरा बनाइए। एक दिन ही नहीं कि हम एक दिन आके आज ही आज पर्यावरण दिवस मनाए और उसके बाद उससे भूल जाए, नहीं, हमें हर दिन हर पेड़ लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए ताकि वो फल फूले और आने वाले टाइम के लिए और भी अच्छे तरीके से उससे ऑक्सीजन प्राप्त हो। तो ऑक्सीजन अगर प्राप्त नहीं होगी तो जीवन जीना असंभव है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो जंगल है काफ़ी हरा भरा है, इस जंगल को देख के खुशी होती है कि इतनी हरियाली यहाँ पे है, और हरियाली को देख के मन भी हरा भरा हो जाता है। तो ऐसी हरियाली हर जगह हो तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हर किसी को खुशी होगी, लेकिन कहीं सूखा है, कहीं हरियाली है, तो दुख तो होता है दोस्तों। तो इस दुख को ना हो, ऐसे दुख ना हो, तो विश्व पर्यावरण दिवस को अच्छे से मनाइए, हर दिन पेड़ पौधे लगाइए। ज़रूरी नहीं कि 5 तारीख को ही आप पेड़ पौधे लगा रहे हो और उसके बाद उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। हर दिन पेड़ पौधे लगाइए और हर दिन उसकी सिंचाई कीजिए, तो देखिए आने वाले टाइम पर मौसम कितना अच्छा होता है और ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं होगी, कई रोग दूर होते हैं दोस्तों इन चीज़ों से।
तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और पर्यावरण दिवस को अच्छे से मनाइए, और आने वाले टाइम के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से पर्यावरण दिवस मनाते रहें और हरियाली को बचाए रखें ताकि आपका जीवन स्वस्थ हो और सभी नागरिकों के जीवन स्वस्थ हो। भाई भाई, अरे आराम आराम से, आराम आराम से। गर्मी गर्मी ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही। कितने घंटे से नहा रहे हैं यहाँ पे? दो घंटे से। दो घंटे से नहा रहे हो? अरे बाप रे, पानी कैसे, ठंडा गर्म है? ठंडा ठंडा है। अच्छा, नाओ नाओ, मस्त तरीके से नाओ, ठीक है। ये नदी है और नदी का पानी भी देख लीजिएगा आप, कितना साफ सुथरा पानी है। और बरसात में ये पूरी बाढ़ आती है, यहाँ पे कटान वगैरह होता है। और पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे बहुत फर्क नजर आ रहे हैं। पहले जो पत्थर दिख रहे हैं, जो आसपास दिख रहे हैं नदी में, सारे ढके रहते थे पानी से, लेकिन अब पानी बिल्कुल, नदियों के बिल्कुल पत्थर साफ साफ नजर आ रहे हैं। और यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर बाढ़ के कारण ही आए हुए हैं। तो दोस्तों, नदियों में बाढ़ का कारण क्या है? कटान है, पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो बाढ़ आ रही है, और बाढ़ आने के कारण इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी भी खत्म हो गया है। पहले कितना पानी होता था इस नदी में, और आज पानी भी नहीं है, नाम मात्र पानी है। क्योंकि पहले हम जब आते थे नदियों में तो हम देखते थे यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, सारे ढके रहते थे, और आज उनकी जड़ पे तक पानी नहीं है। कारण यही है, पर्यावरण दूषित हो चुका है, कटान हो रही है, दिन प्रतिदिन कटान होता जा रहा है, और इसकी वजह से हर जगह असर पड़ पानी पे असर पड़ रहा है। तो इस कटान की वजह से पानी पे असर पड़ रहा है, लोगों के जीवन पे असर पड़ रहा है, हर जगह असर दिख रहा है इस पर्यावरण के दूषित होने का। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मेन मतलब यही है कि आप पेड़ पौधों को लगाइए, पेड़ पौधों को ना काटिए, और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए और पृथ्वी को भी स्वस्थ बनाएं। दोस्तों, पेड़ों को कभी मत काटिए, उसे हमेशा हरा भरा रहने दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसकी कमी हमें बहुत महसूस होगी, और आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इसकी कमी को बहुत महसूस करेंगे। तब जाके हमें क्या होगा, इसका एहसास होगा कि हमने इन पेड़ पौधों को क्यों काट दिया। पेड़ पौधों को कभी मत काटिए, उनकी देखभाल कीजिए ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, रोगों से हमें दूरियाँ मिले, रोग ना हो। क्योंकि पेड़ पौधे कटेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी के कारण कई रोग हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को देखना चाहिए, इन चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि काटते समय काटना है तो काट देते हैं, लेकिन उसका अगर असर दिखेगा वो तो बाद में दिखेगा। हर चीज़ का जो भी असर है वो
वो बाद में ही दिखता है, पहले उसका असर नहीं दिखता है। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरा ये संदेश आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।